Hey guys, welcome back to the new episode. राजस्थान से यूपी के सफर में दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। तो मेरे दो भाइयों ने कमेंट किया था पार्ट टू, दैट्स वाई मैं ये पार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी मेरा प्लान ये था कि मैं दो तीन दिन के बाद ही ये सारा सब कुछ जो भी है ये शूट करूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। जब तक मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी होगी, यहाँ पे मुझे स्टे वगैरह सारा सब कुछ मिल चुका होगा, मैं रूम वगैरह ले लूंगा तब जाके दिखाऊंगा। बट कंडीशन ऐसी हो गई कि अभी मेरे को व्लॉग अपलोड करना है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगले 5-10 दिन तक शायद स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा आने वाली है। मैं कोशिश से लगातार कर रहा हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में मैं यही बताने वाला हूँ कि एक जब बंदा अपने घर से निकल के इंडिपेंडेंट होता है तो उसकी हालत कैसी होती है, कैसे कैसे किन किन चीज़ों से उसको सफ़र करना पड़ता है, यही सारा सब कुछ आज के इस ब्लॉग में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ आने के बाद मैं क्या कुछ मैंने किया वो सारा सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बट उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बाइक पर भी चलते हैं, चलते थोड़ी सी बातें करते हैं और चलते किसी अच्छे से प्लेस पर। तो बाइक को वैसे मैंने कोल्ड स्टार्ट वगैरह कर लिया था, मेरा वैसे कोई प्लान नहीं था, मेरे को किसी काम से नहीं जाना है, जस्ट मैं सोचा कि आप लोगों के साथ में व्लॉग वगैरह भी डाल देता हूँ, इसके लिए थोड़ा चलते हैं और कुछ खाने का भी ले आता हूँ और चल चलते आपको बता भी देता हूँ भाई सारा सब कुछ कैसे क्या मैंने किया यहाँ पे। तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि भाई काम वाम आपको पता है कि यार जॉब वगैरह कितनी मिलती हैं बंदों को, और जो जॉबें मिलती हैं उनमें बंदे को पूरा चूस लिया जाता है एक तरीके से। तो ऐसी जॉब तो मैं वैसे ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को व्लॉग्स भी देने हैं, ये सारा सब कुछ भी करना है। डेट्स वाई मैं जॉब तो मेरे लिए बेस्ट ऑफर नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ना छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, लाइक ड्रॉप शिपिंग जैसा कुछ भी। पंकज भैया जो है वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पे, मतलब मेरे को समझाने में सारी चीज़ें कैसे क्या होती हैं। उनका एक्चुअली आइडिया था कि तुम यहाँ पर आ जाओ। सिचुएशन थोड़ी थोड़ी हर जगह आपको पता है जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं। तो यहाँ आया, अब मैं वहाँ पे गया, जाने के बाद मैंने देखा कि भाई ऐसे से हम लोग कर लेंगे। तो अभी जोमेटो की आईडी मेरी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें 2-3 महीने लगते हैं, यहाँ के सारे स्लॉट भी ऑलरेडी बुक हो रखे हैं। पंकज भैया की आईडी जो है पहले जोमेटो की थी बट वो बैन हो रखी है, तो जोमेटो वगैरह तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बचा रैपिडो, तो रैपिडो में मैंने सुबह ही आज राइड बुक की, एक भी राइडर नहीं आया। मेरी जो आईडी है मुझे दिखा रहा है कि इसमें यहाँ पे सर्विसेबल नहीं है ये चीज़, तो ये भी मैंने काफ़ी बार ट्राई कर लिया, वो भी नहीं चल रहा। पता नहीं, मतलब किस्मत पे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी में ना किस्मत के सबसे बड़े एल लगे हैं। तो ये सारा सब कुछ हो रहा है फिलहाल के लिए। जैसे कि मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि मैं घर नहीं जाऊँगा, लास्ट ऑप्शन मेरे पास वही रहेगा, बट सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। बंदा मतलब ऐसा लगता है कि रो लेना चाहिए। तो भाई मैं जो भी मेरे छोटे भाई हैं ना, जो भी मोटा व्लॉगर बनना चाहते हैं, उनको मैं यही बोलूँगा, देख लो मैंने ना ऑलरेडी 2-3 साल तक स्ट्रगल कर लिया है, और उसके बावजूद यदि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है ना, आपने छोड़ दिया कुछ भी, तो भाई आपकी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ी बड़ी समस्या आने वाली है। तो उनके लिए ना प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको, पहले ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। मैं मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हूँ भाई, मेरे सामने कोई मेरी फैमिली को या फिर पूरे सबको सूट भी कर देना तो भी मुझे आंसू नहीं आएंगे भाई आंखों से। उसके बावजूद भी बंदा अंदर से ना मैं पूरा टूट रखा हूँ भाई, सच बताऊँ तो पूरा टूट रखा हूँ। बट मेरे पास एक हौसला है कि यार आप लोगों की कम्युनिटी है जिनके साथ मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, डेट्स वाई मैं बिखरता नहीं हूँ, मैं अपने आप को वापस जोड़ लेता हूँ और मैं लग जाता हूँ अपने काम पर। अब मेरी बाइक जो है उसका भी काफ़ी मोटा खर्चा रखा है, बाइक में भी एटलीस्ट मेरे को 25-30 हज़ार इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसे हल्की हल्की आवाज़ सी आ रही है, इसका आगे वाला टायर जा रखा है, इसकी सर्विस मेरे को करवानी है, इसके पीछे वाला मटगार्ड डलवाना है, पूरे मटगार्ड जहाँ पे डलता है वो फाइबर की प्लेट आती है वो ख़राब हो रखी है, एटलीस्ट 8-10 हज़ार की वो आती है, मतलब बहुत मोटा खर्चा है भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा। तो ये है भाई मोटो व्लॉगर की जर्नी। बाकी सारा सब मैं कैसे कैसे मैनेज करता हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी में चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, कंडीशन क्या है, ये सारा सब मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ से वेज बिरयानी पैक करवा लेते हैं। ये हमारे बिरयानी वाले भैया हैं पास ही में, जिनसे मैं एक दिन पहले भी लेके गया था, इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं से लेके चलते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। अभी मैं चलता हूँ रूम पे, थोड़ा सा खा लेता पी लेता हूँ, और उसके बाद जो है अपने दुख दर्द आपको आराम से ऑफिस में बैठ के बताऊँगा। मेरा प्लान था पहले तो बाइक पर, बट शोर शराबा थोड़ा ज़्यादा है और जब तक फेस नहीं दिखेगा मुझे मज़ा नहीं आता आपके साथ कनेक्ट करने में। तो चलो यार, काफ़ी दिन के बाद चला रहा हूँ बाइक, तो थोड़े से खींच के देख लेता हूँ। चलो मैं पहुँच गया हूँ, बाइक को लॉक करता हूँ एंड वापस आके आपको सारी स्टोरी बताता हूँ।
तो फाइनली भाई मैंने लपेट दिया बिरयानी वगैरह सारा सब कुछ, पेट अब थोड़ा सा भरा भरा मेरे को लग रहा है। अब मैं बैठा हूँ अपने भैया जी की शॉप पे, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं आपको सारा सब समझाता हूँ कि यार क्या चल रहा है, कैसे कैसे क्या कुछ किया मैंने। तो जब मैं यहाँ पे आया था पहले दिन मैंने एक्चुअली क्या किया, जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद पंकज भैया आए, उन्होंने मुझे दूसरे दिन बोला कि चलो मैं तुम्हें काम बताता हूँ। उसके बाद हम लोग जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग गए वृंदावन, जहाँ जाने के बाद हमने होटल वालों से बातचीत की। पंकज भैया की काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे, तो उन्होंने एग्री कर दिया कि हाँ भाई ठीक है। वो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि मैं एक्चुअली एक पोस्टर लेता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई पोस्टर वगैरह जो है, मैंने एक्चुअली व्लॉग भी शूट किया था बट वो इतना प्यारा व्लॉग बना नहीं, और सॉरी थोड़ा नीचे गिर गया था ये। तो वहाँ जैसे गया, उसके बाद मैंने दिन भर 3-4 घंटे तक मैंने वो काम किया। वो काम एक्चुअली ये था कि होटल वाले रूम 1500 रुपये में मुझे देंगे, मुझे 500 रुपये कमीशन देंगे यदि मेरे थ्रू कोई आता है तो ये डील हुई उनके साथ में मेरी, जिसके बाद में मैं कस्टमर लेने चला गया। मैं 3-4 घंटे तक वेट किया, कोई भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं वापस चलने लगा तो मेरे को एक कस्टमर मिला जो दिल्ली नंबर में गाड़ी थी उनकी, मैं उनको लेके गया रूम पे लेके गया। तो जैसे वो पहुंचे तो उसके बाद वो बोले कि होटल तो दूर है, 500 मीटर ही होटल था। तो मेरे लिए उसमें समस्या ये हुई कि घुमा फिरा के मेरे को, मतलब मेरे हिसाब से बिजनेस माइंड में रहा नहीं, मैं लोगों को इतना डाइवर्ट कर नहीं पाया। बट मैंने ये है कि मैंने उनको उनकी जगह पहुंचा दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद मैंने सेकंड ट्राई ये किया, मैं सोचा कि मैं होटल वगैरह के कॉमर्शियल वीडियोज बनाऊंगा ताकि वो अपने क्लाइंट्स को भेज सकें। उसके बाद मैंने एक होटल का वीडियो क्रिएट किया, वहां से मुझे 1000 रुपये मिले, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जिनसे मेरा अभी 2-3 दिन का बढ़िया खर्चा चल जाएगा। तो ये था कुछ मेरी जर्नी, जिसमें भाई पंकज भाई ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया भाई मेरे को। और भाई अब मैं सोच रहा हूँ कि जोमेटो वगैरह का कुछ सीन, तो जोमेटो वगैरह में आपको पता है ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, रिपीट वगैरह सारा सब कुछ, उनमें किसी में कुछ बचता नहीं है, तो मेरे को ऐसे कुछ करना पड़ेगा। ये हालत हो रखी है भाई फिलहाल के लिए मेरी, बट मेरे को आखिरी दम तक कोशिश करनी है, वरना लास्ट ऑप्शन जो है वो मेरे को ऑप्शन एज ए ऑप्शन में उसको देखना ही नहीं है कि मैं बाइक को एक बेच दूँ, पीसी ले लूँ, ऐसा कुछ बाइक मेरे को नहीं बेचनी है, मेरी आखिरी दम तक यही कोशिश रहेगी। तो भाई ये कुछ ऐसा स्ट्रगल रहता है, जो भी मोटर वगैरह बनना चाहते हैं वो तो देख लेना भाई, पहले थोड़ा सा कुछ काम वाम देख लेना, जॉब वगैरह कुछ साथ में कर सको तो। तो बस यही था, होप आप लोगों को इस व्लॉग में मज़ा आया होगा, आपको मेरा ये स्ट्रगल देख के आपको भी मज़ा आ रहा होगा। बट अभी आज इसलिए मैं फ्री बैठा हूँ क्योंकि एक्चुअली जो होटल वाला जो काम है वो सिर्फ फ्राइडे सैटरडे और संडे को ही सही चलता है, बाकी इतनी दूर जाके कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी मैं चलो ठीक है रेस्ट करते हैं, बड़े पबजी खेलते हैं, थोड़ा माइंड सेट भी सही हो जाएगा, थोड़ा सा आपको पता है ओवरथिंकिंग होने लगती है बंदे को इतनी टेंशन में। और एक्चुअली मैंने जो पिछला व्लॉग डाला था, मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैंने घर छोड़ दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं एक्चुअली घर से आया हूँ, जस्ट मैंने अपने फादर के रिएक्शन दिखाए थे आपको, तो मैंने वैसे घर मतलब अपनी मर्जी से मैं आया हूँ, मेरे को किसी फैमिली ने या किसी ने ये नहीं बोला कि घर छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने अपने फादर के रिएक्शन दिखाए थे कि मैं कैसे घर पे जाता हूँ, जैसे तुरंत वापस निकल जाता हूँ। तो यही कुछ था, और इंडिपेंडेंट होने में मज़ा भी आ रहा है, स्ट्रगल भी है। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।